आपदा आई है अभी हाल ही में, उससे लगभग 4-5 हजार करोड़ का प्रदेश को नुकसान हुआ है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य जो हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंत्रीगण जो है वो उस इलाके का दौरा कर रहे हैं, और उससे उनके बयानों से जो लगता है कि ये जो खर्च जो है लगभग 8 से 10 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है, और वाकई में ये बहुत दर्दनाक नुकसान हमारे प्रदेश को हुआ है। चाहे बिजली विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे जल शक्ति विभाग है, चाहे फॉरेस्ट विभाग है, चाहे बिजली विभाग है, सभी के सभी विभागों को जो है बहुत भारी नुकसान हुआ है। और बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा बवंडर जो है वो प्रकृति ने मचाया है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सा नुकसान हुआ है। हालांकि जो कुल्लू मनाली मंडी शिमला चंबा में जो नुकसान हुआ है उसके मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी हमारे जो जिला है यहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से लगातार घर घर में जाकर लोगों के नुकसान के बारे में जायजा ले रहा हूँ। उसमें लोगों के अपने निजी डंगे भी हैं, गौशालाएं भी हैं, मकान भी हैं, और जो सड़कें बनाई गई थी ब्लॉक के द्वारा वो भी हैं, रास्ते बनाए गए थे वो भी हैं, कुएं थे वो भी हैं, और कई चीजें ऐसी थी जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, उनको नुकसान हुआ है। तो मैंने अभी आकलन लगाया सरासर, तो लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये जो नुकसान है वो 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कि अभी तो उसको वर्कआउट करेंगे, जब हम पूरा उसको आकलन करेंगे जो हमने नोट किया है साथ में अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने, उसका जब सही में निकलेगा तो ये 100 करोड़ के आसपास बैठेगा जाकर। और दूसरा, जो आज केंद्र की सरकार है उनके द्वारा जो है प्रदेश को इसको राज्य आपदा घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आग्रह किया था, लेकिन ना जाने किन परिस्थितियों में जो है वो प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं जिनका दायित्व बनता है, वो क्यों नहीं इसको राज्य आपदा घोषित कर रहे हैं। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको ये करना चाहिए। और प्रदेश की, हमारा जो छोटा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, उसमें जो हमारा पहले से ही हम कर्जे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि जो हमें वो उदार आर्थिक सहायता करे ताकि हम लोगों के जान माल की रक्षा कर सके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। लेकिन जिस प्रकार से अब जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कोई स्पष्ट और सटीक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने केवल मात्र इतना लिखा है कि उसमें कि केंद्र सरकार ने जो दे दिया है उसके बाद और देंगे। अब क्या दिया है वो तो उसमें लिखा नहीं है। अभी पिछले दिनों एक बात उठी थी कि 186 करोड़ रुपया जो वो आपदा के लिए दिया है, लेकिन जब उसका हमने पता किया तो वो आपदा के लिए नहीं है, वो योजना आयोग का जो प्लानिंग का पैसा जो केंद्र सरकार से 90-10 के अनुपात में जो हमें मिलता है वही पैसा जारी हुआ है। तो मेरा तो जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, हमारे यहाँ से संबंधित है जिला हमीरपुर से, इस समय उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा जो यहाँ पे लाना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई अच्छे से कर सकें। बात उन्होंने कही है पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मान जी ने, किस मानसिकता से कही मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया। वो एक ऐसे समय में जहाँ तो उन्हें एक बड़े भाई का फर्ज अदा करना चाहिए था और हिमाचल प्रदेश के लोगों को संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी, माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए था ऐसे समय में, तो वो उनका जो बयान है ये बेतुका सा बयान मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो सेस वाली बात है वो अलग बात है, और जो इस प्रकार से आज अगर पंजाब जो है हरा भरा है तो हिमाचल के पानी से ही हरा भरा है। ये वही हरित क्रांति अगर पंजाब में आई है तो हिमाचल प्रदेश के पानी से ही आती है। पहाड़ों का सारा पानी मैदानों में जाता है और उसी से उनकी वो होती है। अब आपदा के समय में ऐसी बात करना मैं नहीं समझता कि एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दिन करनी चाहिए। डीजल के दाम आज बढ़ तो मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, समाचार पत्र भी नहीं पढ़े। तो हो सकता कि बड़े हों, और अगर बड़े होंगे तो जो हमारा नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर रखते ऐसा किया गया होगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री
आपदा राहत कोष की भी गठन किया है। मेरा प्रदेशवासियों से और बड़सर निवासियों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी इसमें अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें, ताकि ऐसे समय में हम उन व्यक्तियों के और उन क्षेत्रों का विकास कर सके जहां लोगों को बहुत जरूरत है।